सब आपसे सवाल ये है कि स्किल सेट्स दिखाते हैं आप लोगों को, बताते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में अगर कामयाब होना है तो उनको कौन कौन सी स्किल्स हासिल करनी चाहिए। क्या ये बहुत जरूरी है आज के दौर में कि स्किल सीखें तो ही कामयाब हो सकते हैं, और कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो आम प्रोफेशनल को जो ग्रेजुएट होके इंडस्ट्री में काम करने आया है उसको अगर वो स्किल सेट हासिल कर ले तो वो अच्छे तरीके से अपने करियर में कामयाब हो सकता है। जी सर, इसमें बहुत शुक्रिया फोरम और इतिशा। इसमें सबसे अहम चीज ये समझना है कि स्किल का असल मतलब क्या है, है ना। स्किल से मुराद है एबिलिटी, एबिलिटी से मुराद है सलाहियत। तो सलाहियत सबसे पहले जो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है वो ये है कि सलाहियत हासिल की जाए। सलाहियत कोई भी कहीं से हासिल नहीं कर सकता, ये मादर दाद है, इननेट है, माँ के पेट से है। तो हमारे अंदर, आपके अंदर, इतिशाम के अंदर, खुरम के अंदर, रिजवान के अंदर, हम सब के अंदर एक स्पेसिफिक स्किल सेट अल्लाह ने मौजूद रखा है। स्किल सिर्फ उन चीजों में होती है जिनको खल्क किया जाता है, ईजाद नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पे मेरे मोबाइल फोन है, मेरे पास मोबाइल फोन है, इसके अंदर कोई स्किल नहीं हो सकती क्योंकि ये एक ईजाद है। स्किल सिर्फ मखलूकात में हो सकती है जिनको तख्लीक किया गया है। तो हमारे अंदर जो स्किल सेट मौजूद है, जैसे हम कहते हैं स्किल हासिल कर लें, स्किल सीख लें, तो कोई भी किसी स्किल को हासिल नहीं कर सकता, सीख नहीं सकता। हमारे अंदर जो स्किल्स हैं उनको हम बेहतर बना सकते हैं। मैं अपनी बात को यूं करता हूं कि अगर तमाम लोग एक स्किल को हासिल करके उसमें कामयाब हो सकते हैं तो फिर पूरी दुनिया में बहुत से शोबे ना होते, बल्कि एक ही शोबा होता जिसमें तमाम लोग आते, अपनी स्किल उसकी सीखते और उसमें कामयाब हो जाते। दुनिया में बहुत सारे शोबे, दुनिया में बहुत सारी तालीमात, काबिलियत के बहुत सारे मैार सिर्फ इसलिए हैं कि हर इंसान उसी तालीमी काबिलियत की तरफ जाता है जिसकी तरफ उसका रुझान होता है। ये रुझान उसके अंदर इंफरादी और जाती होता है, इज्तिमाई और मौजूदादित नहीं होता, ये उसके अंदर दादी तौर से मौजूद होता है। तो लिहाजा सबसे पहले हमको ये पहचानना है कि हमारे अंदर वो कौन सी स्किल्स हैं कि जिनको हम बेहतर बना के और वो काम कर सकते हैं जिसमें हम कामयाबी से हासिल कर सकें। मैं अपनी मिसाल दूँ, एफिलिएट मैनेजर की एक जॉब आई, उसको मैंने ज्वाइन किया, एक हफ्ते की ट्रेनिंग थी। कल वो ट्रेनिंग खत्म हुई, उसका एग्जाम लिया उन्होंने, 75% पासिंग आउट मार्क्स थे। उसके अंदर वो ये बताते थे कि एक हफ्ते के अंदर आप जनाब यूट्यूब को इतने देर तक देखेंगे तो इतने डॉलर बनेंगे, ये इसको व्हाट्सएप को इतने देखेंगे इतने डॉलर बनेंगे। मैं वो देखता रहा, सीखता रहा। जब मैंने इम्तिहान दिया, आज उनका रिजल्ट आया, उसने कहा, उन्होंने लिखा था, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू कि आपने इम्तिहान को पास नहीं किया, मगर हम आपको फिर भी एफिलिएट मैनेजर की पोस्ट देते हैं, जो आपका सीवी है उसको देखते हैं। तो मैंने उनको शुक्रिया अदा किया और मैंने कहा कि मैं मजीद आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं चल सकता, इसलिए कि मेरे अंदर क्वांटिटेटिव स्किल्स नहीं है, मुझे पता है कि आई एम वीक एट नंबर्स। अब वो मेरे साथ और जो लोग थे मुझसे बहुत कम काबिलियत के थे, उन्होंने उस इम्तिहान को पास कर लिया। तो उन्होंने कैसे पास कर लिया, मैं क्यों ना पास कर सका, इसलिए कि उनके अंदर क्वांटिटेटिव स्किल्स थी, मेरे अंदर नहीं है। अब इस चीज को मैं अनाक का जरिया बना लूं और ये कहूं कि नहीं मैं क्यों फेल हो गया, मैं कोई नाकाम आदमी हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें आज के दौर में सबसे बड़ा मसला ये है कि आप यू देखिए अखबार में आ जाए कि जी आईटी, अब तमाम लोग जिस जमाने में आईटी का था, तमाम लोग आईटी के पीछे लग गए। ओहो, एमसीएस कर करके लोगों ने एमसीएस का कचरा कर दिया। आज बैंक में कैशियर की जगह देखे तो एमसीएस बैठा हुआ है। हमने कितनी जगह टेक्सटाइल के अंदर, बैंकों के अंदर और आम कंपनीज के अंदर एमसीएस को काम करते देखा, तमाम लोग उसके पीछे लग गए। लोग ये सोचने से कासिर थे कि जब इतने एमसीएस पढ़ के निकलेंगे तो वो जाएंगे कहाँ। लिहाजा हमेशा अपनी स्किल्स को पहचानना, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्किल कि मेरे अंदर कौन कौन सी सलाहियतें हैं जिसकी बुनियाद पे मैं उनको बेहतर बनाकर और एक बेहतर और बाइज्जत रोजगार हासिल कर सकता हूँ और माशरे में एक मुकाम पा सकता हूँ। बिल्कुल जरूरी नहीं कि जो काम आप कामयाबी से करते मैं भी कर सकूँ। बाप बेटे से कहता है मैं कारोबार नहीं कर सका, तू कैसे कर सकता है, और बेटा कारोबार करता है, बहुत कामयाब हो जाता है। तो लिहाजा स्किल हर आदमी की जाती इंफरादी है, इज्तिमाई बिल्कुल भी नहीं है और माशरती बिल्कुल भी नहीं है। आपका स्किल सेट आपका है, मेरा स्किल सेट मेरा है। तो सबसे पहले हमें यह पहचानना है कि हमारे अंदर मौजूदा स्किल्स है कौन सी,